नैना के नैनों का कमाल तो देखिए, गजब ढा रही है नैना दुल्हन के अवतार में। सीरियल स्वाभिमान की नैना यानी अंकिता शर्मा ने करवाया है अपना हॉट फोटोशूट दुल्हन के अवतार में। हर लड़की का सपना होता है दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत दिखने का। अंकिता ने भी ये ख्वाब देखा है और वो ख्वाब अपने फोटोशूट के जरिए वो सच होते देखना चाहती हैं। हम बहुत देर से प्लान कर रहे हैं एंड फाइनली द डे हैज कम। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर एवरीथिंग। एक्चुअली शी इज गुड एट स्टाइलिंग, मेकअप, हेयर, एवरीथिंग। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फोटोशूट के लिए। फोटोशूट से बहुत किए, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द लुक्स। एंड मैंने पूरा इन पे छोड़ दिया। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा जो भी करेंगे। देखिए ना, एक एक चीज का कितना ख्याल रखा है अंकिता और नेहा ने, जिन पर अंकिता को दुल्हन के रूप में सजाने की जिम्मेदारी थी। मांग टीका, नथ, झुमके से लेकर हाथ फूल और कलीरे तक सब कुछ ग्लैमरस है यहाँ। We are doing three looks with Ankita basically. One will be a very healthy inspired look by Sonam Kapoor and one will be a total bridal look and एक होगा गाउन का look. So ये तीन looks हमने अंकिता के लिए प्लान करे हैं। जरा सुनिए क्या कह रही हैं अंकिता अपने दुल्हन अवतार के बारे में। बहुत ही डिफरेंट ब्राइडल किया है क्योंकि मोस्टली यू नो रेड एंड पिंक्स मेरे दिमाग में आते हैं। They've taken a peach color and पूरा अटायर पीच है और आईज में एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने लेंसेज पहने हैं जो नेहा ने मुझे बोला कि मुझे ट्राई करने चाहिए। एंड ज्वेलरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कलीरे, मतलब मैंने ऐसे वाले कलीरे नहीं देखे हैं पहले। वैसे अंकिता ने दुल्हन के अलग अलग रूप में तैयार होने के लिए काफी तैयारी की है और फोटोशूट में ये बात निखर कर सामने आ रही है। आप तो ये तैयारी देखकर समझ ही गए होंगे कि दुल्हन की तरह सजना सवरना इतना भी आसान नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो मेरे हिसाब से सीखना हो क्योंकि ज्यादा बात करने की आदत तो हमें है नहीं, लेकिन सिखाई दीजिए आप जैसे सिखाना है आप। मैं वैसे ही सीखूंगी जैसा मुझे सीखना है। उस आम पे गोली चलाओ। बसंती को ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन आज बसंती भी बोलेगी और उसकी बंदूक भी बोलेगी क्योंकि आज बसंती बन गई है आप सबकी प्यारी नायरा। अब बसंती आई है तो उसका वीरू भी तो आएगा, तो सोचिए वीरू किसको बनना चाहिए। अरे कार्तिक को ही ना। और बसंती कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा साइड में रखते हैं और चलिए तैयारी करते हैं फ्रेशर्स पार्टी की।
जी हाँ, फ्रेशर्स पार्टी में जल्द ही आपको बॉलीवुड थीम देखने मिलेगा, जहाँ पर बसंती और वीरू की जुगलबंदी देखने मिलेगी। नायरा और कार्तिक के फैंस के लिए ये एक बोनस होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपके आ जाने से की कहानी में ड्रामा का डोज बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ खतरों से खेल रही है वेदिका, तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति की शादी का सस्पेंस भी बरकरार है। देखिए ना, किडनैप हुई वेदिका विश्ववृत्ति से लड़कियों को बचाने के लिए कमर कस चुकी है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ पुनीश की साजिशें भी बरकरार हैं। वह रे श्रुति, किस्मत देखी श्रुति की, ऐसा दूल्हा मिला है जो कि मंडप से फरार हो जाता है, लेकिन पुनीश उसे पकड़कर वापस लाता है और खुद के दामन पर लगे दाग को धोने की फिराक में है। मैं कसम खाई है, यदि आपकी इज्जत पर आ जाए, कतई नहीं, इसलिए जैसे हमें पता चला कि यह मंडप छोड़ के चला गया, हमने डर लिया इसे। लेकिन इन सब ड्रामे के बीच दुल्हन का खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि अब दूल्हे राजा हैं शादी के लिए तैयार। जरा सुनिए दुल्हन के दिल में क्या कुछ चल रहा है इस बीच। ये मेरी पहली ऑन स्क्रीन शादी है एंड इट्स ड्रेम्ड वेरी वेल। तो ये पहली ऑन स्क्रीन शादी है तो मुझे मजा तो बहुत आ रहा है। ज्वेलरी है एंड दे हैव गिवन मी अ नोज रिंग, अनकम्फर्टेबल सेकेंड टेक इट ऑफ एंड सो ये शादी आज फाइनली हो रही है। दूल्हा भाग गया है, उसको मतलब साहिल भाई पकड़ के लाए। आप सोच सकते हैं, मतलब इस शो में सब दूल्हे भाग जाते हैं, भले वेदिका जी वाला होता है या हमारा होता है, बट आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आपके आ जाने से। साहिल, वेदिका और श्रुति की कहानी का पूरा रहस्य तभी सामने आएगा जब वेदिका वापस लौटेगी। फिलहाल वेदिका अपने रियल लाइफ में छुट्टियां मनाने जा रही हैं, इसलिए सीरियल में किडनैप कर ली गई है, समझे कि नहीं। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। स्टार प्लस पर 23 जून से सितारों के संग शुरू होगी कयामत की रात। जमकर होगा मुकाबला राजवर्धन और शैतान के बीच। आज हम आपको दिखाते हैं कलाकारों के संग सुपर नेचुरल थ्रिलर कयामत की रात के सेट की पहली झलक। सुनिए क्या कहते हैं कयामत के सितारे। सबसे पहले बात निर्भय वाधवा की, जिन्हें शैतान के इस किरदार में देखकर खुद उनके माता पिता भी पहचान नहीं पाए थे। चेंजमेंट बहुत है, होमवर्क बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, कि मेरे बोलने के स्टाइल में, कि चलने के स्टाइल में, कि वो पॉजिटिविटी से मैं चलता था, धीरे धीरे मैं बोलता था। यहाँ पे थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, ख़राब ख़राब शक्लें बनानी पड़ती हैं, गंदे गंदे दांत दिखाने पड़ते हैं, काले पीले नीले इस टाइप के। मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं जो मेरा मेकअप होता है,
और बस एक ही चीज़ तो जो थोड़ी दिक्कत होती है कि मैं वैसे बहुत खाना खाता हूँ, मेरे को खाने का मौका नहीं मिलता जब मेरे फेस पे मेकअप लग जाता है। कयामत की रात में बहुत ही ज़्यादा कयामत होने वाली, हर एपिसोड में कयामत होने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स और फैंस हैं वो इस शो को देख कर और कयामत बना दें। मुझे बताया गया कि एकता मैम को मैं करूना पसंद आई, तो मतलब मैं तो बिल्कुल एक्साइटमेंट और नर्वस और बड़े बड़े मिक्स्ड इमोशंस थे। दो दिन तक मैं ऐसे रही थी, नहीं 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 ऐसा नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज करुणा एक्चुअली वाज वेरी एक्साइटिंग यू नो, एंड मुझे लगा नहीं था दैट आई विल बी एबल टू प्ले समथिंग लाइक दिस। और वाकई में करुणा का जब ब्रीफ दिया गया तो मैंने कहा हाँ ये तो मैं भी करती हूँ, अरे ये तो मैं भी हूँ, तो इट इज़ एग्जैक्टली द वे आई वुड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस जो करुणा करती है। तो या करुणा एंड दलजीत डिटो सेम टू सेम। अब देखना होगा कि ये सुपरनैचुरल सीरियल दर्शकों को खुद से जोड़ने में कितना कामयाब हो पाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इश्कबाज और गरारे पासे में सजी हैं इनकी बीवियां, सारे इशक जादों की नजाकत आज बस देखते ही बनती है। अनिका, भव्या और गौरी तीनों के कपड़े ही नहीं बल्कि इनके गहने भी बेहद खूबसूरत हैं। हमने पहना है घरारा जो आई थिंक अब तक हमारे लिए शरारा हुआ करता था, बट अब जाके हमें पता चला है कि इसे घरारा कहते हैं, एंड बहुत ही खूबसूरत अटायर्स और हेयर स्टाइल सबको दिए हैं क्योंकि अनिका ने लो बन किया है, मैंने खुले बाल रखे हैं, और भव्या की भी बहुत ही अलग खजूरी चोटी वाली हेयर स्टाइल है, तो विद पासा एंड, तो बहुत ही मज़ा आया तैयार होने के लिए भी। आई लव माई आउटफिट, मुझे भी अपना आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद आया है बिकॉज ए इट्स माई फेवरेट कलर, पिंक एंड वाइट बोथ, एंड इट्स सो एलिगेंट, एंड ऑफकोर्स ज्वेलरी थोड़ी ज़्यादा हैवी है, जो जो ये इयररिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बट आई थिंक वो लुक के साथ बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द क्लोथ्स, इट्स लुकिंग रियली नाइस। अब मौका भी है और दस्तूर भी, इसीलिए तो इस महफिल में शिवाय अनिका ने एक दूसरे को एक बार फिर कबूल कर ही लिया। अनिका और शिवाय के बीच में अपनी कोई टेंशन चल रही थी, हमें पता नहीं था कि व्हाट वाज इट, बट सडनली दिस इज़ व्हाट हैपेंस, एंड हमें लगता है कि ईदी में क्या देगा शिवाय अनिको, और सडनली उनका निकाह हो जाता है, तो इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। ईद के जश्न के साथ ही ये जश्न यारी का भी है क्योंकि शिवाय ने ये सारा जश्न अपने दोस्त फरहान के लिए ही रखा है। ईद के इस जश्न का मजा तब किरकिरा हो गया जब फरहान की अम्मी ने आकर
फिजा और फरहान के एक होने पर एतराज जताया, लेकिन फरहान पर तो अब इश्क का रंग चढ़ चुका है, इसीलिए उसने तलाक के कागज फाड़ दिए और फिजा को अपने इश्क की ईदी दी है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावन मोहन, यानी कि आपके दिशा कुमकुम भाग्य शो से। आप दिशा को तो जानते हैं, वो कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, पर आज आप जानेंगे रुचि को, उसकी पर्सनल लाइफ देखेंगे आज आप सास बहु साजिश के साथ में। सो आज मैं पूरा दिन आपके साथ बिताने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। रुचि के दिन की शुरुआत होती है एक चार टांगों वाले शख्स के साथ, वो है मेरा डॉग थॉर। ये मेरी दिन की शुरुआत इसी से होती है, ये मुझे आके नोज किस देता है तो मैं उठ जाती हूँ, सो आई नो दैट ही हैज़ टू ईट समथिंग। और फिर उसके वॉक का टाइम हो जाता है, ही वॉन्ट्स टू गो आउट, तो ये हमारी जान है, 2 साल हो गए इसे आए हुए। ये बहुत खुश हो जाता है। ओके, स्टे, नो नो, स्टे स्टे स्टे, वेरी गुड बॉय, स्टे स्टे स्टे। ओके, नाउ लेट्स प्रे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फूड। I'll be a good boy and I'll be healthy, fit and fine. Okay, chalo, count down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. चल की लाट पड़ती है, उसको पेशेंस टेस्ट होता है ये, बेसिकली उस पर पेशेंस डेवलप करने के लिए हम लोग ये करते हैं काउंट डाउन, सो दैट ही स्टेज। ओके, 3. He's so used to the whole idea of counting. Basically, ये बहुत obedient बन जाता है जब आपके हाथ में toy होता है, आप इससे कुछ भी करा सकते हैं। मेरे घर का सबसे फेवरेट स्पॉट है मेरी बालकनी, क्योंकि यहाँ से मुझे फिल्म सिटी के पहाड़ नज़र आते हैं, यहाँ से आर ए कॉलोनी जहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारी शूट्स होती हैं, लोकेशंस हैं, उसका व्यू बहुत प्यारा नज़र आता है यहाँ से। हाँ, मतलब यूजुअली तो मैं कुछ भी खाने पीने से पहले योगा करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, पर आज चाय, मतलब बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी ली जाए, बाद में सब कुछ करते हैं।
मैंने पेंट किया हुआ है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो अंकित के घर के लिए मैंने उनके अपार्टमेंट के लिए मैंने ये नेम प्लेट बनाई थी मोहन्स के नाम की, और ये मैंने अपने घर के बाहर लगाया था सावन। तो अभी हम एक साथ रहते हैं तो मैंने ये साथ में रख दिया है। उसके साथ में ये अंकित है और ये मैं हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल है, इतनी खूबसूरत थी और ये इतनी वाइब्रेंट वॉल थी दैट आई फेल्ट लाइक रिटेनिंग इट। मुझे कुशन्स का बहुत शौक है और कुशन कवर्स का बहुत शौक है, तो मैं ये हर हफ्ते न्यू कुशन्स जगह जगह से ले आती हूँ। ये खादी स्टोर से मैं ले आई थी ये कुशन कवर्स। ये है अंकित की, अभी करंटली उनकी एक फिल्म आई है फर्जंद नाम की, जो उसमें उनका ये लुक है। कुमकुम भाग्य में हमें सीक्रेट सांता के वक्त श्रुति ने हम सबको दिया था, जो आपकी प्रज्ञा है श्रुति झा ने सबको दिया था। ये इजिप्ट से मेरे पापा लेकर आए थे, ये पेंटिंग पेपरस आर्ट है, तो ये मैंने बहुत साल हो गए हैं मैंने संभाल के रखी। और ये है मेरा कमरा, हमारा कमरा इनफैक्ट, ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पर ये मेरी और अंकित की वेडिंग फ़ोटोग्राफ है, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस दिन से, बहुत स्पेशल है हमारे लिए। हम एक सहारा वन, अब तो आता भी नहीं है वो चैनल, बंद हो चुका है, पर सहारा वन का एक शो था घर आजा परदेसी, उसमें हम मिले थे। इनफैक्ट वो शो के एंड में ही आए थे, वो रिप्लेस करके आए थे मेन लीड को, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो शो करने इसीलिए आए थे ताकि मुझसे मिले और हमारी लाइफ आगे बढ़े। आज मैं आपको थोड़ा सा मेरा सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। मुझे पायलें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, और सिल्वर बेसिकली, मैं गोल्ड इतना मुझे पसंद नहीं आता, हालांकि सब, क्योंकि सब कुछ लॉकर में रखा रहता है, घर पे कुछ नहीं रखा रहता। तो इन पायलों का बहुत स्पेशल प्लेस है मेरी लाइफ में, ये मुझे शादी में पहनाई गई थी। चीज़ों का बहुत शौक है, मतलब मुझे अपने हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें, अपने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड चीज़ों का बहुत बहुत शौक है। बहुत यूनिक नेक चेन है विद अ पेंडेंट, इसकी अगर आप आवाज़ सुनोगे तो ये एक मेडिटेशन है अपने आप में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पायलों का बहुत शौक है, और मेरे पास बहुत सारी सिल्वर पायलिंग, ये तो आधा कलेक्शन आपने देखा है और बहुत अंदर रखी थी मैंने, बाहर नहीं निकाली अभी वो, पर मेरे पास गोल्डन कलर की भी पायल है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मुझे महाराष्ट्रियन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनफैक्ट महाराष्ट्र ही नहीं, मुझे बाकी की भी जगहों की, मतलब राजस्थानी ज्वेलरी भी है मेरे पास, आधी ज्वेलरी मैंने यहाँ पे इनफैक्ट रखी नहीं है। ये सजाने के लिए होता है, आपका जूड़ा जितना बड़ा आपने बनाया है उतना बड़ा, उतनी आप ऐड कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा है तो तीन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इवन स्टिक टू वन। ये मेरे पास नथ का बहुत सारा कलेक्शन है, गोल्ड की ऑफकोर्स मैंने नहीं रखी है घर पे, मैं आप सबको भी बता रही हूँ गोल्ड प्लीज़ घर पे मत रखा कीजिए, गोल्ड एंड डायमंड घर पे नहीं रखना। कोल्हापुर से मैंने ये लिया था ये बहुत पसंद है इसे, हाँ इसे चिंचपेटी कहते हैं।
सभी लड़कियों का ज्वेलरी कलेक्शन का शौक होता है, सजने सवरने का शौक होता है, तो मेरा और एक कलेक्शन है, बैंगल्स कलेक्शन, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मुझे बहुत कलरफुल चूड़ियों का शौक हमेशा से रहा है। मैंने इनफैक्ट मेरे एक मराठी शो में तो खुद ही की बैंगल्स का कलेक्शन पहना था, क्योंकि मुझे उस लुक के लिए अप्रोप्रिएट लगता था मेरा जो बैंगल कलेक्शन था। तो सिंस आप ब्रेकफास्ट टाइम पर आए हो, तो आपके साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए पोहा, मुझे बहुत पसंद है गर्मा गर्म पोहा, और स्पेशली बारिश के दिनों में तो बड़ा मज़ा आता है। कैमरा फेस, मैंने एक्चुअली कैमरा फेस से भी पहले मैंने बिहाइंड द स्क्रीन काम किया था, जो मेरी फाउंडेशन है इस इंडस्ट्री में। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है एडिटिंग में, फिल्म एडिटिंग में। सो उसके बाद में मैं मुंबई आई थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने एक फिल्म पर भी असिस्ट किया था। उसके बाद मैंने एड फिल्म्स में प्रोडक्शन भी किया हुआ है। सो मैं आई एम मोर ऑफ अ बिहाइंड द स्क्रीन पर्सन। मेरा एक शो था DD1 का, अधूरा बंधन, तो उससे मैंने शुरुआत की थी। आई होप आज आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आया होगा। देखते रहिए सास बहू और साजिश सिर्फ ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।